प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। क्लास 12 में केमिस्ट्री में हम लोग लेसन केमिकल काइनेटिक्स में अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें पिछले वीडियो में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया तक हो गया था, आज हम लोग पढ़ेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इसमें है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन सांद्रता पदों पर निर्भर करती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन सांद्रता पदों पर निर्भर करती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन सांद्रता पदों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन सांद्रता पदों पर निर्भर करती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी जो तृतीय कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण, ठीक है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण तृतीय कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण निम्न में से किसी एक प्रकार का हो सकता है, अब ध्यान देंगे यहां से, हो सकती है। सर जी मार्कर। हाँ, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण निम्न में से किसी एक प्रकार की हो सकती है, ठीक है। यानी दर बराबर के, जैसे मान लीजिए एक परिभाषा बताई गई आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, कि वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन सांद्रता पदों पर निर्भर करती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो यदि अभिकारक मान लीजिए कोई अभिकारक एक यदि कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें
एक ही अभिकारक ए है, एक ही केवल सिंगल अभिकारक ए है, ठीक है, तो इसकी दर क्या होगी, इसकी जो दर होगी, दर बराबर क्या होगा, के होगा, और एक अभिक्रिया है, एक ही अभिकारक है, तो कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन संख्या पदों पर निर्भर करती है, तो अभिकारक एक है, इसका अर्थ कितना हो जाएगा, इसका अर्थ बनेगा थ्री, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें ए और बी अभिकारक है, ए और बी अभिकारक है, तो जब ए और बी अभिकारक है तो तीन संख्या पदों पर निर्भर करेगी, तीन संख्या पदों का मतलब इसमें कोई अभिकारक ऐसा होगा जिसकी घात दो होगी, ठीक है, और एक की घात एक होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे मान लीजिए कि तीन संख्या पदों पर निर्भर कर रही है, तीन संख्या पदों पर, तो यहां दो ही अभिकारक हैं, दो ही अभिकारक हैं, तो दो माने इस पर तीन घात होगा, तो तीन घात मतलब क्या हो जाएगा, या तो इस पर दो घात हो और नहीं, और इस पर एक घात हो, ये तीन घात हो गया, या तो इस पर एक घात हो और इस पर क्या हो, दो घात, इसका मतलब हो गया ये तीन संख्या पद, अब इसका संख्या कितना हो गया, तीन हो गया, ठीक है। तो इसकी दर हम मान सकते हैं कि ये दर हो जाएगा, दर बराबर कॉन्स्टेंट के, और ए की संख्या पद मानते हैं दो, तो बी का कितना होगा, बी का एक हो जाएगा, ठीक है। अब अभिकारक हम तीन लेते हैं, ए बी और सी तीन लेते हैं, तो तीन संख्या पदों पर यदि मान लीजिए जो अभिक्रिया की दर है वह तीनों पर निर्भर करती है, जब तीनों पर निर्भर करेगी तो इसका एक घात और इसका एक घात हो जाएगा, यानी इसकी दर क्या हो जाएगी, इसकी दर हो जाएगी कॉन्स्टेंट के, ए बी की सांद्रता और सी की सांद्रता, तीनों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो अभिक्रिया की दर होगी वह किसी भी एक प्रकार की हो सकती है, ठीक है। यानी यदि एक अभिकारक मानेंगे, एक अभिकारक मानते हैं तो उसकी दर क्या होगी, मान लीजिए अभिकारक ए है तो इस पर तीन घात हो जाएगा, यदि दो अभिकारक मानते हैं दर मान लीजिए ए की दो घात है तो बी की एक घात होगा, ठीक है, और तीन अभिकारक मानते हैं तो दर के ए की सांद्रता फिर बी की सांद्रता और सी की सांद्रता, और जहां पर ए बी और सी क्या है, सी अभिकारक है, ये है रिएक्टेंट अभिकारक, इसी पर इन्हीं की सांद्रता पर जो है अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यानी देखिए वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन सांद्रता पदों पर निर्भर करती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। तृतीय कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण निम्न में से किसी एक प्रकार की हो सकती है, अब देखिए ये तीन समीकरण है, ठीक है, तीन समीकरण, इन तीनों समीकरण में किसी भी एक प्रकार की जो अभिक्रिया की दर है वह किसी भी एक प्रकार की होगी, यदि तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है तो उसका समीकरण इन तीनों में से, ठीक है, इन तीनों में से क्या हुआ, कोई भी एक होगा, ठीक है। अब देखिए तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक के का मात्रक लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर प्रति समय होता है, ठीक है, प्रति समय होता है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में जैसे आयतन की उपस्थिति में
आर्गन की उपस्थिति में, एआर की उपस्थिति में जैसे गैसीय प्रावस्था में एआर की उपस्थिति में, एआर आर्गन की उपस्थिति में, उपस्थिति में आयोडीन परमाणुओं का, आयोडीन परमाणुओं का आयोडीन अणुओं में आयोडीन अणुओं में संयोजन तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए ये आई है, आई प्लस ए आर, ठीक है, यानी आई है आयोडीन है आर्गन की उपस्थिति है, आर्गन, तो ये बनेगा, ये बनता है, ये अणु, ये परमाणु है आर्गन का, ये बन जाएगा अणु आई टू और प्लस क्या होगा, आई टू प्लस ए आर, ठीक है। और इस अभिक्रिया की दर, यानी इस अभिक्रिया की दर क्या होगी, दर बराबर के, अब आई दो है, कितना घात हो गया, ठीक है, और ए आर, और ये हो गया ए आर की सांद्रता, ठीक है, कितना हुआ, दो इसका हुआ और एक इसका हो गया, ए आर का एक है और आयोडीन का कितना है, आयोडीन का दो है, तो ये कितना हो गया, दो एक तीन, यानी हो गई तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, बात समझ आ गई। ध्यान से सुन लीजिए एक बार, और तृतीय कोटि की अभिक्रिया बताया गया कि वह अभिक्रिया जिसकी दर तीन सांद्रता पदों पर निर्भर करती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण निम्न में से किसी भी एक प्रकार का हो सकता है, यदि क्या होगा, यदि अभिकारक ए है केवल ओनली ए, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, के ए पर कितना घात हो जाएगा, तीन घात, तीन सांद्रता, ठीक है, यदि दो अभिकारक है ए और बी, तो क्या होगा, के ए पर मान लीजिए दो है और बी पर कितना है, एक घात, ठीक है, यानी जो अभिक्रिया की दर है वह ए की, अभिकारक ए की दूसरी सांद्रता की और बी की प्रथम सांद्रता की समानुपाती होती है, ठीक है, तीन अभिकारक है और अभिक्रिया की दर तीनों पर निर्भर कर रही है, तो के बराबर ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इसमें से किसी भी एक प्रकार की अभिक्रिया तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताया गया, गैसीय प्रावस्था में आर्गन की उपस्थिति में आयोडीन परमाणुओं का आयोडीन अणुओं में संयोजन, आयोडीन परमाणु है, ठीक है, इसका आयोडीन अणु में संयोजन एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, जो अभिक्रिया की दर है वह आयोडीन परमाणु के द्वितीय घात, ठीक है, और आर्गन के प्रथम घात के समानुपाती होती है, तो इसलिए अभिक्रिया की दर बराबर हो गया के आई की संता की, यानी आयोडीन संता की द्वितीय घात और आर्गन की संता की प्रथम घात, ठीक है, ये हुआ तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। अब देखिए केमिकल और काइनेटिक्स में आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे आणविकता, ठीक है, आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की आणविकता, आणविकता, अभिक्रिया की
आंसर मल्टीप्लिकेटिव ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की आणविकता। देखिए पहले इस परिभाषा लिख रहे हैं, किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले आधिकारिक अणुओं, किसी प्रारंभिक, किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले, किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले, किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या, अभिकारी भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या, अभिकारी अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कराती है, अभिक्रिया की आणविकता कराती है, आणविकता अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, देखिए किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कराती है, यानी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कराती है। ठीक है, प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर जो प्रारंभिक अभिक्रियाएं हैं, यानी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या के आधार पर, प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या के आधार पर प्रारंभिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये होता है एक अणु अभिक्रिया, फिर होता है द्वि अणु और त्रिअणु, एक अणु द्विअणु और त्रिअणु। ठीक है, यानी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अधिकारी अणुओं की संख्या के आधार पर जो प्रारंभिक अभिक्रियाएं हैं वे कई प्रकार की होती हैं, उसमें एक अणु का अभिक्रियाएं, द्विअणु का अभिक्रियाएं और त्रिअणु का अभिक्रियाएं। ठीक है, यदि केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, ठीक है, यह यूनिमॉलिक्यूलर, यह है बाईमॉलिक्यूलर और यह ट्राईमॉलिक्यूलर। ठीक है, यदि एक अणु भाग लेगा उसे कहेंगे एक अणु अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर, यदि दो अणु भाग लेगा तो उसे बाईमॉलिक्यूलर कहेंगे, यदि तीन अणु भाग लेगा तो उसे कहेंगे ट्राईमॉलिक्यूलर अभिक्रिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि एक अणु है, एक अभिकारक है, ये बन रहा है उत्पाद। ठीक है, तो इसके एक ही अणु भाग लेगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक, यदि दो अणु है, ठीक है, यदि इनके टक्कर से जो अभिक्रिया हो रही है ये बन रहा है उत्पाद, ये क्या है, ये हो जाएगा बाईमॉलिक्यूलर। और यदि तीन अणुओं की टक्कर से होती है, a+b+b या a+b+c, ठीक है, ये हो गया उत्पाद, ठीक है, ये हो गया ट्राई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर।
कूलर है, ठीक है, ड्राई वाटर कूलर। बात समझ आ गई? यानी अभिक्रिया की अधिकता किसी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारियों की संख्या अभिक्रिया की अधिकता कहलाती है, ठीक है। यानी प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले और अभिकारियों की संख्या के आधार पर, अभिकारी अणुओं की संख्या के आधार पर जो अभिक्रिया होती है वो कई प्रकार की होती है। एक अणु, ठीक है, एक अणु यानी यूनिमॉलिक्यूलर, द्वि अणु यानी इसमें एक ही में भाग लेगा, या एक अणु है तो ये उत्पाद द्विअणु हो गया यूनिमॉलिक्यूलर। ये द्वि अणु होगा कम से कम दो अणु भाग लेंगे यानी दो टक्कर से होगा, ठीक है, तो ये हो गया बाईमॉलिक्यूलर। और त्रि अणु यहाँ तीन है तो इसमें तीन अणु भाग लेते हैं तो ये होता है ट्राई मॉलिक्यूलर। ये है अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। ध्यान से देखिए वीडियो, अपनी जो है पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।